हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मुज़म्मिल हसन और मैं हूं आपका दोस्त दानिया रायपुत। आप देख रहे हैं मुज़म्मिल और दानिया रिएक्शन चैनल। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंच रहे। हम कुछ दिनों से नोट कर रहे हैं, कुछ दोस्त कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो से देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। और आज हम मतलब जिस गाने पर रिएक्ट करने वाला है उसका नाम है अम्ब्रेला। ये दिलजीत दोसांझ का मतलब गाना आया और इसमें म्यूजिक दिया है, इंटेंस ने दिया है भाई अम्ब्रेला। ये किस टाइप का गाना हो सकता है अम्ब्रेला भाई? ये तो एक चीज मतलब एक चीज का नाम है, मतलब छतरी छाता जिसको कहते हैं हम, उसका नाम है। उसमें वो छाता जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो तो है कि बारिश से बचने के लिए ही उसको, या धूप से बचने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें पता नहीं, या वो बताएंगे कि धूप से कैसे बचना है, बारिश से कैसे बचना है। बचने की बात नहीं मैं कह रहा, मेरे को लग रहा है ये रोमांटिक हो सकता है, सैड सॉन्ग नहीं होगा। अम्ब्रेला एक मतलब छतरी का नाम है तो रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है कि लड़की भीग रही है या लड़की कहीं जा रही है तो उसका छाता लेकर आ रहा है, ऐसा भी इस तरह से कोई बोल हो सकता है बीच में शायद हो भी, तो इस तरह टाइप का गाना हो सकता है। और ये मतलब जहाँ पर रिलीज किया गया जिस चैनल को उसका डबल अप एंटरटेनमेंट, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं चलते वीडियोस की जाना। लेट्स गो। कहता शहर मतलब शहर का सीढ़ी तेरी मेरे वाल हो गई है सारी, तो कहता जो मैं मतलब गड्डी के मतलब बाहर कड़ी है छतरी ते कुड़ी में एक मतलब मछली मेरे वाल, तो उधर वो चीज़ उस टाइप के बारे में बोल रहा है। अच्छा, इसलिए मतलब कि वो छतरी का नाम लिया कि मैं जैसे ही गाड़ी से निकला तो छतरी खोली तो लड़की मछली है। कॉल ना करी मैनू मैसेज कर दी। हां टेक्स्ट कर दे। मतलब कमाल का मतलब गाना लिखा है, मतलब ये नहीं कह सकते कि इतना मतलब ब्यूटीफुल भी लिखा है, इतना अमेजिंग भी लिखा है। मतलब उन्होंने जिस बात अपने अजहार किए हैं तो कमाल के किए हैं, मतलब हाँ। अपने अंदाज में तो अच्छे किए हैं कि वो बोल रहा है कि अपने बारे में बता रहा है कि दोसांझ के बारे में, तो मतलब कमाल का लिखा है यार, अमेजिंग लिखा है। तो मेरे को ये दोबारा बोल सुनना है एक दफ़ा, तो वापस हम करते हैं यार एक बार। अगर महंगी कारा चांद जान वाली ट्रिप ते हुंदी है दोसांझ वाले ने दी, तो कमाल का मतलब लिखा है यार। कमाल यार।
अमेजिंग गाना था यार, बहुत कमाल का। मतलब ये इतना हम कह सकते हैं कि मतलब इतना ख़ास भी नहीं था गाना, मतलब हमें जो लगा इतना ख़ास भी नहीं लगा, क्योंकि छतरी गाना, मतलब छतरी को किस तरह डिफाइन किया गया मतलब ये नहीं मेरे को समझ आया। तो लड़की मतलब खोल लीजिए, तो मैं मतलब गड्डी जो बाहर खड़े खोली छतरी सीधे अल्फाजा चाह वाई, तो मैं जो कार के बाहर निकला छतरी खोली ते कुड़ी मछली, तो उदू छतरी का मतलब अल्फाज यूज किए गए ने, बाकी ते दूसरे गाने मतलब दूजे अल्फाज यूज कर रहे हैं कि टाइम नहीं होता, तो मैं रोलैक्स मतलब हाथ च बंदी रोलैक्स में वेखना तो बड़ा जो महंगी कारा जो घुमाना वाली है, मतलब वह मतलब वो चीज़ा दूसरी चीज़ों के बारे च मतलब दूसरी चीज़ों के बारे ज़्यादा बयान किया गया। छतरी का बस एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होया, तो अम्बरेला नाम रखा इस गाने का, समझ नहीं आ रही कि क्यों रखा गया, बस वो एक लफ्ज़ दिवा नाम खाना रखा। हाँ अम्बरेला सर वो एक मतलब एक फिक्रा कर लो, एक फिक्रा बनाने वास्ते शायद वह नाम रखता जी, लेकिन ना गाना भाई इन्ना माड़ा भी नहीं, इन्ना माड़ा भी नहीं, मगर ना चीज़ा देख के करनी चाहिए। हूँ भाई सिद्धू भाई, सिद्धू भाई जरा भी गाना करते हैं जरा भी लिखा होंगे तो उस अल्फाज के पता नहीं मतलब किस तरह लिखा होंगे, तो प्रोपर वो चल रहा आ रहा होंगे, तो मतलब इस चीज़ के बारे मैं गल करना चाह रहा थोड़े ना। ये भी तो गल है वा, लेकिन बाकी यार देखा जाए तो दिलजीत भाजी कोई माड़ा आर्टिस्ट नहीं है, मतलब नहीं माड़ा ही नहीं है, मैं नहीं कह रहा यार। गल सुनो, एक हूँ कोई इंसान होंगे कोई गाना किसी को अच्छा लगता कोई गाना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मैं उस चीज़ के बारे बयान कर रहा, मैं अपना रिएक्शन दे रहा कि मैनू इन्ना खास तौर पर इन्ना अच्छा नहीं लगा, मगर वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी थी, म्यूजिक भी अच्छा सी, तो म्यूजिक की बीट चल रही थी ना, बीट जी वो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो दूसरी वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, गाने इन्होंने बहुत अच्छे आते हैं, इन्हें गोल्ड गाना पिछला सुन का देख लो तो बड़ा कमाल का गाना है, मगर इस बार उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, उन्होंने अपनी लुक चेंज की, अपनी म्यूजिक शायद उन्होंने कह रहा है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके देखूँ, कुछ डिफरेंट करके देखें, तो शायद ये उनका भी वे हो सकता है ना कि इस बार मैं कुछ डिफरेंट करके देखूँ, तो ये चीज थी ना। हाँ ये भी भाई भाई की बात भी बिल्कुल ठीक है, तो ना बहरहाल गाना ठीक था, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा हाई लेवल बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन नॉर्मल में मीडियम में रख लेते हैं, एक होता है ना स्लो, एक स्लो मीडियम फिर हाई, हाई नहीं हम बोलेंगे ना ही हम स्लो बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मीडियम, मतलब कि नॉर्मल गाना, नॉर्मल गाना है, मतलब ये तकरीबन 50 के लगभग जा सकता है, इससे ज़्यादा हाई मिलियन में नहीं जा सकता, क्योंकि दिलजीत डिसूजा का नाम है तो भाई ये इतना जा सकता है, वैसे इनके नाम पर ही जाएगा, गाने का उम्मीद नहीं है कि 50 मिलियन क्रॉस करें। बाकी तो ना हमें तो इसकी वीडियो भी अच्छी लगी है, इसकी मिक्सिंग भी अच्छी लगी है, जो म्यूजिक दिया वो भी बस अच्छा लगा, जो कॉन्सेप्ट है जो भी अच्छा लगा, लिरिक्स है ना वो बस ऐसे ही थोड़े बहुत पूरे पूरे गा लेना बस पूरे पूरे लिरिक्स से, तो बाकी अगर आप भी ये गाना सुनना चाहते हैं तो इस गाने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।